नमस्कार, मैं रंजना सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन ने कृषि कानून बिल को लेकर चल रहे आंदोलन के 6 माह पूरे होने पर बिल वापसी न लेने पर काले झंडों के साथ विरोध करते हुए केंद्र सरकार का पुतला फूंका और काले कृषि कानून बिल वापस लेने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता यूनियन कार्यालय पर एकत्र हुए और यहाँ पर आंदोलन के 6 माह पूरे होने के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिल वापस न लेने के विरोध में केंद्र सरकार का पुतला फूंका गया और साथ में काले झंडे लेकर केंद्र सरकार का विरोध किया गया। आपको बता दें कि बिजनौर के सभी शहरों व देहात क्षेत्रों में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। किसान नेताओं के अनुसार यह विरोध जिले के अधिकांश गाँव में किया जा रहा है। इससे गाँव के किसान अपने घरों पर काले झंडे लगाकर और अपने वाहनों पर काले झंडे लगाकर कृषि कानून बिल का विरोध कर रहे हैं। हमारा जो एमएसपी का तय कानून बनाया जाए और सरकार जो तीनों बिल काले हुए तीनों बिल कृषि कानून भारतीय हो इसके उपरांत चाहिए किसान आज भाई अपने काले झंडे के उपरांत वो अपना भाई होगा। मैं बिजनौर से अतुल कुमार, मंडल उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन बिजनौर। ये हमारे दिल्ली में चल रहे काले कानूनों को लेकर आंदोलन 6 माह पूरे हो गया। 6 माह से सरकार किसी किसान कानून बिल को वापस करने के लिए तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं है। आज उसके 6 माह पूरे होने के बाद आज हमने जो काले झंडे दिखा तो और सरकार का पुतला फूंक हमने विरोध प्रदर्शन किया और जगह जगह सब जगह जगह गांव गाँव में और घर समय हुआ है। काफ़ी कई जगह जो होंगे प्रदर्शन हुआ। जब तक काले कानून वापस नहीं देगी सरकार, जब तक सरकार का विरोध में हम लगे रहेंगे, जब तक ही होगा। कानून बनाए गए हैं ये वापसी मांग के लिए और किसानों को 6 महीने होगा दिल्ली में पड़े हुए, उनके किसी बात को ना मानते हुए सरकार के खिलाफ आगे नारेबाजी की गई है और काले झंडे का दिखाए जा रहे हैं और ये आगे भी चलता रहेगा। ये काले झंडे किस लिए दिखाए जा रहे हैं? ये काले कानून के लिए वापस कराने के लिए काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। तो आप लोगों को लगता है कि सरकार मान जाएगी? मानेगी, जरूर मानेगी, मानना पड़ेगा इनको। तो ये आज कितने गांव में है जो काला दिवस मनाया जा रहा है? हर गांव में, हर गांव में, हर गांव के निकट चौराहों, हर स्टेट के हर गांव में है। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।